हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी लैब। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी का पार्ट। तो देखो स्टूडेंट, आपका ज्योग्राफी हर एग्जाम्स में आपका 20-30% आपका कवर करता है, तो आपको इसको बिल्कुल सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा। नियरली आपके 100 में से 20 या 30 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड रहते हैं, जैसे आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके आपके कुछ करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड रहते हैं। और ज्योग्राफी में मेजर पार्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पड़ेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको स्टडी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। नियरली 75% आपका कवर करता है इंडियन ज्योग्राफी। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ें कैसे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, कि आपको NCERT फ्रॉम 6 to 12 इसको 7 लेके पढ़ना है, प्लस एटलस वर्क आपका होगा, ये आपका 7 चलेगा, और बाकी आपका जो जनरल टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होंगे विद द हेल्प ऑफ NCERT एटलस। तो आपको इन्हीं को लेके चलना है। तो आज हम टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, तो द फर्स्ट टॉपिक इज द यूनिवर्स। तो देखो, यूनिवर्स आपका बेसिकली पार्ट है एस्ट्रोफिजिक्स का, लेकिन इसको हम ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, विच रिवॉल्व्स अराउंड सन, एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर सिमिलर टू अर्थ और जस्ट रिवॉल्व अराउंड सन लाइक अर्थ, ठीक है। इसीलिए इसके अंतर्गत हम लोग जो है ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स हैं, या आपका इसको आप एस्ट्रोनॉमी भी कह सकते हैं। तो इसके अंडर हम पूरा यूनिवर्स का कैसे आपका ओरिजिन हुआ, प्लस यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, प्लस जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सन है, उन सब के बारे में आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज इसमें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका कि भाई यूनिवर्स बना कैसे, ठीक है। तो यूनिवर्स की शुरुआत जहाँ से होती है, आज से लगभग आपका 13 बिलियन ईयर्स बैक यूनिवर्स आपका बनना शुरू होता है, और एक सिंगल पॉइंट से इसका ओरिजिन हुआ है, दैट इज नोन एज सिंगुलैरिटी। तो एक सिंगल पॉइंट था, पहले हमारा जितना भी मास था यूनिवर्स का, वो सब एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी से आपका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुए, और फिर हमारा जब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुए, तभी हमारी जो गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या अदर गैसेस हो, वो आपका बनी है। तो सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट से हम जब बात करते हैं कि अर्थ या यूनिवर्स की शुरुआत होती है, तो हम इसको इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम स्केल बना लीजिए, या हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं टाइम्स में, तो 0 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, देन आगे आप इसको 20 सेकेंड्स इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में देखो, 0 सेकेंड्स में आपका जो प्रोसेस शुरू हुआ, वो प्रोसेस था फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले पार्टिकल हमारे कौन से बनते हैं, पार्टिकल्स जो बनते हैं वो हैं प्रोटॉन। बाकी इसके बाद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो और जितने भी आप पार्टिकल्स जानते हैं, वो सब आपका इसके बाद बनने शुरू हुए, तभी जाके हमारा जो है आपका यूनिवर्स की रचना शुरू हुई या यूनिवर्स का ओरिजिन शुरू हुआ। तो यहाँ इस पॉइंट से सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, वो विद इन 0 सेकेंड्स आपका फॉर्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट जब 1 सेकेंड का टाइम पास कर जाता है, तब हमारे यहाँ चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये मिलके आपका हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं। जो सबसे पहला हमारा प्रीमोर्डियल एटम था, वो हाइड्रोजन था, तो इसको हम प्रीमोर्डियल एटम भी बोलते हैं। तो प्रीमोर्डियल एटम हमारा कौन सा था, हाइड्रोजन, या नेसेंट हाइड्रोजन बोलें इसे, या आप इसको बिल्कुल
शुरुआती हाइड्रोजन बोलें, आज जो हमारा हाइड्रोजन है वो थोड़ा बहुत आपका चेंजेस आ गए हैं उसमें, लेकिन ये प्रीमोडियल हाइड्रोजन जो होता है बिल्कुल आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके शुरुआत हुई थी। तो यहीं से आपका जो है, जब ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज पार्टिकल्स मिल गए, तब अगले 10 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे हमारा प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस, और आपका लाइट इमिट होनी शुरू हो जाती है यूनिवर्स से। तो सबसे पहले जो लाइट हमारी यूनिवर्स से ऑरिजिनेट होती है वो CrMb है, या CmBr आप कुछ भी बोल लो। तो ये कॉस्मिक रेज माइक्रोवेव आपके हैं जो सबसे पहले ऑरिजिनेट होते हैं, तो कॉस्मिक रेज ही हैं वो, या कॉस्मिक माइक्रोवेव्स आप उनको बोल सकते हैं। ये सबसे पहले ऑरिजिनेट होने वाली लाइट है, और इसी के बाद हमारा यूनिवर्स हमें विजिबल हुआ। इससे पहले यूनिवर्स विजिबल नहीं था। तो यूनिवर्स विजिबल हुआ कब? जब आपका CmBr या CmRb, जो भी आप इसको, या CrMb जो भी कहना चाहें, तो कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक माइक्रोवेव्स, इसको ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से ऑरिजिनेट होता है जब हमें यूनिवर्स दिखाई देना शुरू करता है। इसके बाद कंटिन्यूसली एक्सपेंशन हुआ और हाइड्रोजन प्लस हीलियम आपका मिलकर फ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट करने लगे, और फिर आपके बिग मासेस फॉर्म होने शुरू हो गए। तो सिंगुलैरिटी से शुरू होकर यहाँ तक हमारा ये पहुँचा यूनिवर्स, और आज भी लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है। तो यूनिवर्स के जो ऑरिजिन की थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन थ्योरीज हैं। एक तो जो आप सबसे कॉमन पढ़ते हैं, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी यही है और कुछ नहीं, कि एक सिंगुलैरिटी से शुरू होकर आपका यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, यही हमारी बिग बैंग थ्योरी कहती है। और ये बिग बैंग थ्योरी ही है आपकी जो हमने समझी। तो बिग बैंग थ्योरी सबसे आसान थ्योरी है जो आपका यूनिवर्स के ऑरिजिन को समझाने का काम करती है। इसके बाद दूसरी थ्योरी पल्सेटिंग स्टार थ्योरी, या आप इसको ऑसिलेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो ऑसिलेशन आप जानते हैं कि भाई कोई पेंडुलम होता है, उसका बॉब एक सर्टेन पॉइंट तक जाके वापस आता है, यही चीज आपका पल्सेटिंग स्टार ऑसिलेशन या ऑसिलेशन थ्योरी है। तो ऑसिलेशन थ्योरी कहती है कि सबसे पहले हमारा शुरू होता है बिग बैंग, देन बिग क्रंच, देन बिग बैंग, देन अगेन बिग क्रंच। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है आपकी किसकी? बिग बैंग एंड बिग क्रंच की। यानी कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स पहले एक्सपेंड करेगा, बाद में कोलैप्स करेगा, कोलैप्स करके वापस सिंगुलैरिटी पे आ जाएगा, सिंगुलैरिटी से फिर एक्सपेंड करके आपका बिग बैंग को जन्म देगा, फिर वापस आके आपका फिर बिग क्रंच बनेगा। तो ये सीरीज चलती है उसी सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे आपका पेंडुलम का ये बॉब यहाँ से यहाँ आता है ओरिजिन पोजिशन पे, फिर वापस जाता है, फिर वापस ओरिजिन पे आता है, फिर वापस जाता है। तो इसी टाइप से हमारा यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है और फिर कोलैप्स कर रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी ज़्यादा आपकी पॉपुलर थ्योरी नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी हमारी बिग बैंग, पल्सेटिंग स्टार ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बिग बैंग थ्योरी हमारी ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो आप इसी को ध्यान रखेंगे, बिग बैंग को। ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको ज़्यादा अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में अगर हमारा कहीं प्रूव होता है कि भाई इस टाइप की हमारी सिचुएशन आती है कि हमारी यूनिवर्स कोलैप्स करके एक पॉइंट पे आ जाती है, सिंगुलैरिटी पे आ जाती है, और सिंगुलैरिटी से फिर एक्सपेंड होके आपका जो है एक्सपेंशन शुरू होता है, बिग बैंग शुरू होता है, और फिर वापस सिंगुलैरिटी पे आती है, तो हम कह सकते हैं तब कि ये थ्योरी हमारी सही है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को दिखाने के लिए। लेकिन फिलहाल आप बिग बैंग थ्योरी को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे एक्सप्लेनिंग द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। चलिए अब देखिए, यूनिवर्स के लिए एक और थ्योरी आजकल आ रही है जिसको हम मल्टीवर्स थ्योरी बोलते हैं। चलिए बेटा, बात कर रहे थे मल्टीवर्स की। तो मल्टीवर्स एक नया टर्म आया है जिसमें यह कहा गया है कि केवल हमारा यूनिवर्स नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे यूनिवर्स आपके स्पेस में हैं, तो उन सबको मिलाकर आपका मल्टीवर्स कहा गया है। लेकिन मल्टीवर्स की थ्योरी हमारी कहीं भी आज ठहरती नहीं है, इसको ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। ठीक है, तो खैर नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई मल्टीवर्स भी एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे यूनिवर्स की हमने एक कल्पना की है कि भाई इतने सारे यूनिवर्स हैं, केवल हमारा यूनिवर्स नहीं। ठीक है, अब यूनिवर्स बेसिकली है क्या? तो यूनिवर्स इज़
अ कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, या आप इसको ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं. तो कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे वो हमारा स्टार्स हों, चाहे वो हमारे प्लैनेट्स हों, चाहे वो हमारे सैटेलाइट्स हों या एस्ट्रॉइड्स वगैरह, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हमारी होती हैं गैलेक्सीज. अब गैलेक्सीज होती क्या हैं? तो गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स. अब अभी फिलहाल हम केवल इसको इतना ही देखते हैं कि गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ स्टार एंड देर आर 10^11 गैलेक्सीज इन टोटल. यानी अब तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं कि कितनी गैलेक्सीज हैं, 10^11 गैलेक्सीज हमारे पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में लगभग आपके इतने ही स्टार्स हैं, 10^11. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टार इन आवर यूनिवर्स इज 10^22. लेकिन ये केवल आपका एस्टिमेशन है, इसको हम रियल नंबर्स में कभी नहीं मान सकते कि एग्जैक्टली इतने ही स्टार्स हैं. ठीक है, चलो तो गैलेक्सीज अभी फिलहाल यहीं देखते हैं. गैलेक्सीज बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक रेगुलर गैलेक्सीज एंड एक इरेगुलर गैलेक्सीज. तो रेगुलर गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज हैं जिनका शेप या तो राउंड हो या फिर आपका स्पाइरल हो, वो सब हमारी गैलेक्सीज कहलाती हैं रेगुलर गैलेक्सीज. एंड ऑल अदर गैलेक्सीज आर इरेगुलर गैलेक्सीज. जैसे हम मान लें ये शेप है या कोई और शेप की गैलेक्सी है, तो वो सब हमारी इरेगुलर गैलेक्सीज में आएंगी. नियरली 80% ऑफ द गैलेक्सीज आर रेगुलर इन शेप. तो राउंड शेप या स्पाइरल शेप वाली गैलेक्सीज आपकी बेसिकली कौन सी गैलेक्सीज हैं? रेगुलर गैलेक्सीज. ठीक है, रेगुलर गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको. हम केवल गैलेक्सीज और उसमें आने वाले स्टार्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्स की बात करते हैं. तो स्टार्स होता क्या है बेसिकली? आप सभी जानते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट इज नोन एज स्टार. ठीक है, लेकिन स्टार्स की केवल इतनी ही डेफिनेशन है. हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में सन है तभी हम हैं. अगर सन नहीं होता तो हम भी नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, आप जानते हैं जितने भी हमारे यहाँ ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो आपका फ्लोरा है या फोना है, वो अल्टीमेटली अपनी एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करता है? सन पे. सन की एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, जो हमारे लिए फूड भी बनाता है, हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाता है. बिना उसके हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो सन जैसा स्टार हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, तो अदर स्टार्स जो यूनिवर्स में हैं वो भी एनर्जी के सोर्सेस हैं. ठीक, तो स्टार्स बेसिकली देखो, जब बनते हैं तो तीन स्टेजेस स्टार्स की होती हैं. जैसे हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं कि भाई हम जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर फाइनली मर जाते हैं, उसी टाइप से स्टार्स की भी तीन स्टेजेस होती हैं. द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्रोटोस्टार. तो प्रोटोस्टार में शुरुआत में क्या होता है, एक स्टार में केवल हाइड्रोजन गैस ही होती है, केवल हाइड्रोजन गैस. ठीक, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब कंबाइंड होने लगेंगे एंड फॉर्म्स हीलियम. जब हीलियम बनती है तो प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है, तो यहीं से एनर्जी का सोर्स शुरू हो जाता है. तो प्रोटोस्टार बेसिकली आपका शुरुआती स्टेज है किसकी, आपकी एक स्टार के जन्म की. उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, देखो इसके इंटीरियर पार्ट में भी हाइड्रोजन है, इसके एक्सटीरियर पार्ट में भी हाइड्रोजन है. तो पहले फ्यूजन प्रोसेस आपका कहाँ शुरू होगा? इंटीरियर पार्ट में. तो इंटीरियर पार्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होके आपका फॉर्म करेंगे हीलियम. और आफ्टर सम टाइम, हम अपने हिसाब से नहीं, इसके बिल्कुल यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से चलेंगे, तो यूनिवर्सल टाइम का मतलब हो गया आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स जब सेंटर की सारी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हीलियम में. तो सेंट्रल पार्ट तेजी से कूल डाउन होना शुरू होगा और आउटर पार्ट में अभी हाइड्रोजन बची हुई है, तो आउटर पार्ट में अब शुरू हो जाएगी हमारी फ्यूजन प्रोसेस. यहाँ पे अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होने लगेंगे और हीलियम का फॉर्मेशन करने लगेंगे, प्लस एनर्जी रिलीज करने लगेंगे. इंटीरियर पार्ट में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी है, ठंडा होगा ये पार्ट और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा.
आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कोई भी चीज़ आपका उसको अगर हम हीट दें तो वो एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन बाहर हो रहा है, अंदर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से इनर पार्ट तो छोटा हो जाएगा और आउटर पार्ट आपका लगातार एक्सपेंड हो जा रहेगा। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ स्टार है, दैट इज नोन एज रेड जायंट फेज। तो दिस इज कॉल्ड रेड जायंट फेज। ठीक है, रेड जायंट फेज में जैसे हम कहते हैं आज हमारा सन रेड जायंट फेज में, तो रेड जायंट फेज में भी एक स्टार आपका मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहता है, और उसके बाद जब उसके आउटर पार्ट में भी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये भी सब आपका हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा स्टार, और पूरा स्टार कॉन्ट्रैक्ट करके एक छोटे से पार्ट में कंसंट्रेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं आपका व्हाइट ड्वार्फ। तो ये व्हाइट ड्वार्फ आपका बेसिकली डेथ ऑफ अ स्टार है। ठीक है, लेकिन सभी स्टार्स में ये स्टेजेस नहीं होती, बल्कि इसके आगे की स्टेजेस भी पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नाम सुना होगा आपने इनका, ये सी वी रमन थे, सी वी रमन के भतीजे थे एस चंद्रशेखर, जो यूएस सिटीजन थे लेकिन ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करते थे। तो एस चंद्रशेखर ने आपका ब्लैक होल्स पे स्टडी की थी, और ब्लैक होल्स पे स्टडी करने के बाद उन्होंने एक लिमिट दी थी कि 1.44, विच इज नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट की जब भी आप बात करेंगे तो 1.44 को ध्यान रखेंगे। अब ये 1.44 है क्या? तो ये 1.44 ये कहता है कि भाई स्टार्स विच आर सिमिलर इन साइज टू सन और लेस देन द साइज ऑफ सन और ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन, ठीक है, वो सब वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होके डेड हो जाते हैं। ये आपका कहता है 1.44 टाइम्स या चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट को सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्स हमारे सन से या तो छोटे हैं या फिर बड़े हैं, कितना 1.44 टाइम्स, वो सब आपका किस स्टेज में जाके खत्म हो जाएंगे, वाइट ड्वार्फ में। तो वाइट ड्वार्फ इनकी एंड पोजीशन है, लेकिन जो बिगर स्टार्स होते हैं उनमें अब फ्यूजन प्रोसेस अभी भी चलता रहता है, और वो फ्यूजन प्रोसेस आपका आगे हैवियर मेटल्स को बनाता रहता है। जब हैवियर मेटल्स बनते रहते हैं तो एक टाइम के बाद आपका क्या होगा, इससे कॉस्मिक रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी, एनर्जी जो निकलेगी वो कॉस्मिक रेज के रूप में निकलेगी। ये ध्यान रखना कि अब वाइट ड्वार्फ के बाद जो स्टेज आएगी दैट इज न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, इसमें आपका सपोज कीजिए हम कहें कि हीलियम और हीलियम कंबाइंड होने लग गई और इन्होंने कोई अदर मटेरियल बना दिया, सपोज करिए एक्स, ठीक है, तो एक्स मटेरियल का जो स्टार होगा उसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे, और ये न्यूट्रॉन स्टार एमिट करता है कॉस्मिक रेज। तो ऑल रेज आर कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा जो आपका इंफ्रासोनिक रेज हैं, ये सब हमारी जो है कॉस्मिक रेज हैं। तो इसी कॉस्मिक रेज के रूप में आपका इससे एनर्जी लिबरेट होती है, और फिर ये अचानक से इतना ज़्यादा ओवरहीटेड हो जाता है कि इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, और एक्सप्लोजन होने के बाद आपका ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक छोटा सा आपका पार्टिकल बचा रह जाता है जो हैवियर मेटल्स का कंसंट्रेट होता है, यानी इसमें निकल एंड आयरन जैसे हैवी मॉलिक्यूल्स या हैवी मेटल्स रहते हैं, और ये हाई ग्रेविटेशनल फील्ड का एक पॉइंट बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ या ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल एक हाई ग्रेविटेशन फील्ड का एरिया है जो किसी भी चीज को अपने सरफेस से एस्केप होने नहीं देता, बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इवन लाइट कांट एस्केप फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देयरफॉर इट इज नॉट विजिबल इन स्पेस। तो स्पेस में आप ब्लैक होल्स को ढूंढ ही नहीं सकते, वहां तक कोई लाइट ही नहीं पहुंच रही। जब लाइट नहीं पहुंच रही तो उसकी विजिबिलिटी जीरो है, जब विजिबिलिटी जीरो है तो आप उसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। उसको तभी फाइंड आउट करेंगे जब वो हमारे किसी एकदम प्लैनेट के नज़दीक आ जाए या हमारे किसी चीज़ के नज़दीक आ जाए जिसमें हम एकदम से
एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ब्लैक होल बेसिकली एक हाई ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया होता है, और हाई ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण आती है? निकल एंड आयरन के लिए। आप जानते हो ना हमारे अर्थ में भी क्या है, सेंटर में निकल एंड आयरन है, और हमारी अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं या स्मॉल जी बोलते हैं। उसी के कारण हम लोग अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस, और उसी के कारण हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं। अगर ये जी ना होता तो हम लोग सब हवा में तैरते रहते। तो जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। इसी टाइप से अगर इस ब्लैक होल में निकल और आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये ज़्यादा आपका अपनी फील्ड बनाएगा, और वो फील्ड बनती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये लाइट भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये उन स्टेजेस, ये उन स्टार्स की बात कर रहे हैं हम जो ग्रेटर देन 1.4 टाइम बड़े हैं सन से। तो उन सब की डेथ किस टाइप में होती है? ब्लैक ड्वार्फ, छोटे स्टार्स वाइट ड्वार्फ। हमारा सन भी किस में मरेगा? वाइट ड्वार्फ। और अगर हमारा सन से बड़े स्टार्स की हम बात करें तो 1.44 टाइम्स जितने भी बड़े होंगे वो सब इसी स्टेज पे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इससे बड़े जो स्टार्स हैं वो सब स्टेज पे आके ख़त्म, ठीक है। तो ये तो आपका स्टार्स का था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब फिर वापस आते हैं गैलेक्सीज पे। तो गैलेक्सीज मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की होती हैं, एक रेगुलर एंड इरेगुलर। तो अकॉर्डिंग टू शेप हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो जिनका शेप आपका राउंड हो, या परफेक्टली राउंड तो नहीं हो सकते, खैर यूनिवर्स की चीज़ें हैं, लेकिन नियरली राउंड हो या फिर वो स्पाइरल हो, तो दोज गैलेक्सीज आर नोन एज रेगुलर गैलेक्सीज। एंड अदर शेप्स, जैसे हम मानते हैं ये है या ओव्यूल शेप है, कोई भी और टाइप का शेप है, तो वो सब हमारी इरेगुलर गैलेक्सीज में आएंगी। हमारे यूनिवर्स में 80% गैलेक्सीज जो हैं वो रेगुलर गैलेक्सीज हैं। तो जैसे हमारी गैलेक्सी है तो हमारी गैलेक्सी भी किस टाइप की है? स्पाइरल इन शेप, ठीक है। तो बेसिकली गैलेक्सीज हमारे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। तो देखो सभी स्टार्स अपनी गैलेक्सी में भी मूव करते हैं। इसका एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं गैलेक्टिक न्यूक्लियस। तो गैलेक्टिक न्यूक्लियस के अराउंड सारे स्टार्स और जितने भी हेवनली बॉडीज हैं या सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती हैं। उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जैसे हमारा सन है तो सन भी इसके चक्कर लगाता है और फिर आपका यहाँ वापस अपनी पोजिशन में आएगा, फिर इसके लगातार घूमते रहेगा और इसके रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता रहेगा। तो जैसे हमारे सन की बात करते हैं हम, तो 25 करोड़ हम बोल सकते हैं इसे, या 25 बिलियन आप इसको बोल सकते हो, सॉरी हाँ 25 बिलियन आप, या 250 मिलियन ईयर्स में ये आपका एक सर्कल पूरा करता है अपनी इस गैलेक्टिक न्यूक्लियस के चारों ओर। तो हर स्टार्स या हर जो भी हेवनली बॉडीज हैं वो सब गैलेक्टिक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है। हमारी अर्थ भी घूमती है, क्योंकि अगर हम इसको सन माने तो भाई हमारा सोलर सिस्टम तो इसी के अलोंग घूम रहा है, तो हमारा सोलर सिस्टम भी इसके साथ इस गैलेक्टिक न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। अब गैलेक्सीज में ध्यान रखना, इस टाइप का शेप आपको दूर से दिखाई देगा, तो जो एंड पोजिशंस होती हैं यहाँ पर स्टार्स कम होते हैं, और जो सेंट्रल पोजिशन होती है यहाँ पर स्टार्स आपके ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। इसीलिए यह बल्ज है, तो बल्ज इस कारण हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्टार्स ज़्यादा हैं। जहाँ पर स्टार्स कम हैं वहाँ इसका शेप बिल्कुल आपका कम हो गया है, ठीक है। तो गैलेक्सीज यहीं तक ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, एंड एंड्रोमेडा इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो अब ये भी ध्यान रखना भाई, लाइट ईयर्स वगैरह होती क्या हैं? तो लाइट ईयर बेसिकली है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर, ठीक है, नॉट इन एनी मीडियम बट ओनली इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इसको हम वन लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये लाइट ईयर बेसिकली आपका यूनिट किसकी हुई? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम किसमें? लाइट ईयर्स, ठीक है। और भाई लाइट की वेलोसिटी आप जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है स्पीड ऑफ लाइट और टाइम को मान के
डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है, जो लाइट एक साल में वैक्यूम में आपका कवर करती है उसी को हम वन लाइट ईयर बोलते हैं। तो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है एंड्रोमेडा, विच इज नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सीज। ठीक है, अब गैलेक्सीज देखो एक दूसरे से बहुत दूर जा रही हैं और उस दूर जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, तो रेड शिफ्ट आप इसके बारे में जानते हैं, वेब क्यों, तो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये आपके सेवन कलर्स हैं। तो सेवन कलर्स में ध्यान रखना कि टूवर्ड्स रेड अगर सारे कलर शिफ्ट होते हैं तो ये कहलाता है हमारा रेड शिफ्ट। तो गैलेक्सी एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रही हैं और वो हमारे दूर जाने की जो कंडीशन है उसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। सिंपली इतना ध्यान रखना कि ये आपका रेड शिफ्ट क्या है। तो गैलेक्सीज आर मूविंग टूवर्ड्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, विच इज नोन एज रेड शिफ्ट। बाकी आपका जो ये पोर्शन है वो साइंस का है तो हम इसमें इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें इसमें आपके लिए यही पढ़ना जरूरी है कि भाई गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक, अब देखो, ओके, तो रेड शिफ्ट को ध्यान रखना, रेड शिफ्ट का मतलब आपका क्या है, गैलेक्सीज एक दूसरे से मूव कर रही हैं और उस मूवमेंट को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। बेसिकली ये फिजिक्स का पार्ट है तो आपको यहाँ पे उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम कलर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो जब कलर स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स आपका रेड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो फिजिक्स का पोर्शन है, उसको हम यहाँ डील नहीं कर रहे, हम केवल आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो गैलेक्सीज जिस रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रही है उस रफ्तार को हम रेड शिफ्ट का नाम देते हैं, बाकी और कुछ नहीं है रेड शिफ्ट। ठीक है, अब हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो सोलर सिस्टम बेसिकली सन एंड इट्स फैमिली, तो फैमिली के अंदर आप जो है सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो सन को रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सब हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हेवनली बॉडीज हैं जो बहुत छोटी हैं, वो भी सन का रिवॉल्यूशन पूरा करती हैं, तो उनको भी हम इसके अंडर पढ़ते हैं। तो बेसिकली सोलर सिस्टम आपका, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं अब, सन और इट्स फैमिली। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में सबसे पहला हमारा है सन। तो सन के बारे में कुछ चीज़ें तो आप जानते ही होंगे कि सन इज अ स्टार। ठीक है, एंड इट इज़ इन सेकेंड फेज ऑफ इट्स लाइफ, दैट इज रेड जायंट फेज, एंड आफ्टर सम बिलियंस ईयर्स आफ्टर इट विल डाई एज अ वाइट डॉफ। तो अभी फिलहाल अभी हमारा सन रेड जायंट फेज में, सेकेंड स्टेज में, और बिलियन ईयर्स तक इसमें रहेगा और उसके बाद इसकी डेथ होगी वाइट डॉफ के रूप में। तो सन बेसिकली, अगर हम सन के पोर्शन को निकालें, ये सन का पोर्शन है, हमने इतना पार्ट काट के इसका क्रॉस सेक्शन ये निकाल लिया, तो इसमें आपकी कई लेयर्स होती हैं। जैसे हमारा अर्थ का इंटीरियर तीन लेयर्स में बटा होता है, वैसे सन भी आपका सेवन लेयर्स में बेसिकली बटा होता है, लेकिन सारी लेयर्स आपके लिए जाननी जरूरी नहीं है। आप कुछ लेयर्स को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कन्वेक्टिव जोन, दूसरी है रेडिएटिव जोन, तीसरा है फोटोस्फीयर, एंड देन क्रोमोस्फीयर। ये चार जोन आप ध्यान रखिएगा। तो मिडिल पार्ट को हम पूरा इंक्लूड करते हैं किसमें, कन्वेक्टिव जोन में। तो यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट या कन्वेक्शन करंट आपकी प्रोड्यूस होती हैं, और कन्वेक्शन करंट आपको पता ही होगा, कन्वेक्शन एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एनर्जी के साथ साथ जो मैटर है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आपका जो है गैसेस, गैसियस मटेरियल है जो आपका धीरे धीरे प्लाज्मा फॉर्मेशन में आता है और वो आपका कन्वर्ट होता है, मैटर को भी कन्वर्ट करता रहता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, साथ साथ मैटर को भी कन्वर्ट करता रहता है, तो इसीलिए इसको हम कन्वेक्टिव जोन नाम देते हैं। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर फैक्ट्री है, सन के न्यूक्लियर फैक्ट्री यही है कन्वेक्टिव जोन, जहाँ से आपका एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, यानी फ्यूजन प्रोसेस यहीं शुरू हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि फ्यूजन प्रोसेस कहाँ शुरू हो रहा है, कन्वेक्टिव जोन में। देन रेडिएटिव जोन,
अब रेडिएटिव जोन में बहुत सारे आपकी कॉस्मिक रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, आपका यूवी, इंफ्रारेड, ये सब कॉस्मिक रेज आपका इस रेडिएटिव जोन से बाहर आती हैं। और जितने भी आपका सन के सरफेस पे जो स्टॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे तूफान प्रोड्यूस होते हैं, उन तूफानों का कारण यही कॉस्मिक रेज हैं जो बेसिकली रेडिएटिव जोन में ही आपका शुरू हो रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स वगैरह आप पढ़ते होंगे, और साथ साथ हम लोग एक बात करते हैं कि भाई हमारे अर्थ के पोलर रीजन्स पे हमें जोडियक लाइट्स दिखाई देती है, तो वो जोडियक लाइट्स ही बेसिकली क्या है, सोलर फ्लेयर्स है। तो वो सोलर फ्लेयर्स कहाँ से आए, रेडिएटिव जोन से, और वो किस रूप में है, इन कॉस्मिक रेज, चाहे वो एक्स रेज हों, यूवी रेज हों, या गामा रेज हों, या इंफ्रारेड हों, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ से ऑरिजिनेट होता है। देन फोटोस्फीयर, तो फोटोस्फीयर इज द सर्फेस ऑफ सन, जैसे अर्थ का सर्फेस है लिथोस्फीयर, वैसे ही फोटोस्फीयर सन की सर्फेस है, तो ये सन सर्फेस है। तो जो पार्ट हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, विजिबल होता है, दैट इज फोटोस्फीयर। उसको ध्यान रखेंगे कि भाई जो आप अर्थ से विजिबल पार्ट देखते हो सन का, वो हमारा फोटोस्फीयर है, और वहीं से हमारे लिए जो रेडिएशंस आ रही हैं वहीं से आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अपर पार्ट जो एटमॉस्फेयर ऑफ सन है, इट इज़ नोन एज क्रोमोस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर ऑफ सन इज क्रोमोस्फेयर। ये बहुत सारे आपके कॉस्मिक रेज से मिलके बनता है, साथ साथ यहाँ पे सोलर स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे आपका कई सोलर फ्लेयर्स भी उठते हैं, साथ साथ आपके और भी कई चीज़ें यहाँ पर होती हैं क्रोमोस्फेयर में, ठीक है। अब आजकल हम लोग जो है बहुत सारे मिशंस भेजने शुरू कर रहे हैं, चाहे वो हम सन पे भेज रहे हों, जैसे आदित्य वगैरह, ये सब हम लोग भेजने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना इसके आसपास जो है, सन के आसपास, जैसे हमारे अर्थ के आसपास ऑर्बिट होती हैं, इसके आसपास भी ऑर्बिट्स होती हैं L1, L2, तो वो आपका यहाँ बताने की चीज़ नहीं, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ कि इसके आसपास भी हमारे कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अलॉन्ग हम उन सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकते हैं, या उन रोवर्स को प्लॉट कर सकते हैं, जिससे कि हम सन के सरफेस की या सन के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी ले सकें। अभी हमारे पास इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। और क्रोमोस्फेयर आपको कब विजिबल होगा, जब आपका टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। तो टोटल सोलर एक्लिप्स में आप देखते हैं बाहर आउटर पार्ट एकदम उजाला सा रहता है, और बीच के पार्ट में बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है। तो जहाँ डार्कनेस आती है, वो तो आपका पूरा फोटोस्फेयर छिप गया, उसके ऊपर का पार्ट जो एटमॉस्फेयर है, जो हल्का सा आपका दिखाई देता है, वो हमारा सन का एटमॉस्फेयर या क्रोमोस्फेयर हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और एक्सटीरियर पार्ट का टेम्परेचर, फोटोस्फेयर के पार्ट के टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 6000K है। तो ध्यान रखना, बुक्स में बहुत जगह आपका डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, वो गलत है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये केल्विन में है। और जितने भी आप हेवनली बॉडीज पढ़ेंगे, उन सब का टेम्परेचर केल्विन में होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो जो डिग्री सेल्सियस में आपका लिखा हुआ है, वो गलत है। ऐसे ही इंटीरियर पार्ट ऑफ द सन का जो टेम्परेचर है, वो 1.5 मिलियन K है, तो वो भी K में है। बहुत सारी बुक्स में आपका डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, वो डिग्री सेंटीग्रेड गलत है, ठीक। तो केल्विन में आप इसको पढ़ेंगे, तो 6000K सन की सरफेस का टेम्परेचर, और 1.5 मिलियन K सन के इंटीरियर पार्ट का टेम्परेचर है, जिसको हमने, मैंने आपको कहा था ना, न्यूक्लियर रेडिएट, ये आपका एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर है सन का, जहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन वाले पार्ट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है, ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्यूज़न प्रोसेस शुरू हो रहा है, और जब फ्यूज़न प्रोसेस शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। तो स्टूडेंट, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपका। तब तक पढ़ते रहिए, और लाइक करते रहिए हमें, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके सामने ऐसे और प्रोग्राम्स लेकर आ सकें। थैंक यू।